أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students آج ہم کریں گے question number 12 تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں نے definition پڑھی تھی exponential equation کی یعنی ایسی equation جس میں variable exponent کی form میں ہو یعنی کہ power کی form میں ہو تو یہاں پہ دیکھیں اس equation میں جو variable ہے x وہ power کی form میں ہے تو یہ آپ لوگوں کی exponent equation ہے इसको साफ करने का क्या तरीका है देखते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहां पे ये जो साइन है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है ये डेसिमल नहीं है। तो जब भी आप लोगों के पास इस तरह वेरिएबल एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो और ये साइन हो तो आप लोगों ने समझ लेना है कि ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना के डेसिमल है। नेक्स्ट आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हूं तो पावरें ऐड होती हैं। तो यहां पे पावरें ऐड हो रही हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही है तो पावरें ऐड। तो ये वाली यहां पे वैल्यू आप लोग एज इट लिखें। नेक्स्ट आपने क्या करना है ये जो 2 की पावर x है इसको लेट कर लेना है आप लोगों ने लेट 2 रेज पावर x इज इक्वल y। अब आपने इन दोनों का स्केयर लेना है दोनों साइडों पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। जब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये पावर का जो 2 है एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके 2x हो जाएगी इसकी पावर और यहां पे वाई स्क्वायर। तो यहां पे आप लोगों ने लेट किया था उसके बाद आप लोगों को वाई स्क्वायर की भी वैल्यू मिल गई। अब आप लोगों ने इक्वेशन 1 को दोबारा लिखना है इक्वेशन 1 बिकम तो यहां पे देखिए ये 4 और यहां पे 2 की पावर 2x है तो ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स y स्क्वायर के और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2। नेक्स्ट देखिए -9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x 2 की पावर x किसके इक्वल लेट किया था y के प्लस 1 इज इक्वल 0। सिंप्लीफाई करें 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब आप लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है यानी 8 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 8 ही आता है तो 8 के आप लोगों को 2 फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें आपके पास 8 आए और उनको आप लोग ऐड करो तो आपके पास माइनस 9 आए। 8y² - 8y - y + 1 इज इक्वल 0। फर्स्ट टू टर्म से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 8y यहां पे क्या आपके पास रिमेनिंग रहेगा y और यहां पे आपके पास -1 यहां से आप लोगों के पास कॉमन -1 तो यहां पे आपके पास y - 1 इज इक्वल 0। ये दोनों वैल्यू सेम है इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन सही है। यहां से कॉमन आपके पास y - 1 रिमेनिंग 8y - 1 इज इक्वल 0। तो यहां से आप लोगों के पास या तो y - 1 इज इक्वल 0 होगा या फिर आपके पास 8y - 1 इज इक्वल 0। अगर y - 1 0 के इक्वल है तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर 8y - 1 0 के इक्वल है तो यहां पे आप लोगों के पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो ये आप लोगों के पास y की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। मजीद आप लोगों ने क्या करना है देखें इधर 1/1 ये वैल्यूज पुट करनी है y के आप लोगों ने इस इक्वेशन में जो आप लोगों ने लेट की थी। पुट y इज इक्वल 1 इन 2 की पावर x इज इक्वल y। तो नेक्स्ट ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास 2 की पावर x इज इक्वल y की वैल्यू क्या पुट करनी है यहां पे 1
स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है, बिकॉज जब पावर जीरो हो किसी भी डिजिट की तो वो किसके इक्वल होता है, वन के। तो यहां पे हमने टू ही क्यों लिया, क्योंकि यहां पे भी टू है, तो हम इस वन को लिख सकते हैं टू की पावर जीरो। तो यहां पे देखिए बेस सेम है तो इसका मतलब इसकी पावर्स भी सेम होंगी। तो यहां पे आप लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी, वो आप लोगों ने फाइंड कर ली। इसी तरह अब आप लोगों ने पुट करना है y इज इक्वल 1/8 इन 2 की पावर x इज इक्वल y। तो अब आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करें, 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। तो यहां पे आपको पता है डिनोमिनेटर में पावर प्लस है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस, बेस सेम है तो पावर भी सेम। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल माइनस 3। x की टू वैल्यूज आप लोगों के पास आ चुकी हैं, आपने इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स आपके पास 0, -3। तो यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों के पास 13 और 14 पार्ट है ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, मैं करूंगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन। एक मरतबा यही वैल्यूज लिखे यहां पे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल 192। तो यहां पे आप लोगों ने इसके पेयर बनाने हैं, कौन से टू पेयर बनेंगे वो आप लोगों ने रफ में चेक कर लेना है। यहां पे देखिए 1 + 3 तो ये 4 आता है, और यहां पे -5 और -7 तो ये आप लोगों के पास -12 आता है। आपने वो पेयर बनाने हैं जिनसे ये आंसर सेम आई थी। यहां पे देखिए 1 - 5 आंसर आता है -4, 3 - 7 आंसर आता है -4। तो पेयर क्या बन गया इसके, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, एक पेयर तो आपके पास ये बन गया। दूसरा क्या है आपके पास, x प्लस 3 एक्स माइनस 7 इज इक्वल 192। मल्टीप्लाई करें इसको स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -5x + x - 5। मल्टीप्लीकेशन आप लोगों ने सीखी हुई है पहले। तो यहां पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 3x - 21 इज इक्वल 192। मजीद सिंप्लीफाई करें इसे, एक्स स्क्वायर -4x - 5, एक्स स्क्वायर -4x - 21 इज इक्वल 192। तो ये फर्स्ट टू टर्म्स और ये फर्स्ट टू टर्म्स सेम है, तो यहां पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल एक्स स्क्वायर -4x। तो आपने एक्स स्क्वायर -4x की जगह पे अब क्या वैल्यू लगानी है y की, y -5 हो जाएगा और यहां पे ये y -21 हो जाएगा इज इक्वल 192। मल्टीप्लाई करें इसे, वाई स्क्वायर -21y - 5y - क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास 105 = 192। नेक्स्ट आप लोगों ने मजीद सिंप्लीफाई करना है, -20 और -5 ये हो जाएगा -26y + 105, तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगी इज इक्वल 0। वाई स्क्वायर -26y, और इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे यानी 105 - 192, तो आपके पास आंसर आएगा -87 = 0। तो ये आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, इसको आप लोगों ने मजीद सिंप्लीफाई करना है बाय फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके पास, वाई स्क्वायर -29y + 3y - 87। फर्स्ट टू टर्म से आपके पास कॉमन आएगा y, रिमेनिंग आपके पास y -29। इसी तरह यहां पे आप लोगों के पास कॉमन आएगा 3, रिमेनिंग y -29। मजीद यहां से आप लोगों के पास कॉमन आएगा y -29, रिमेनिंग यहां पे y और यहां पे +3 इज इक्वल 0। तो यहां से आप लोगों के पास या तो y -29 0 के इक्वल होगा, या फिर आप लोगों के पास y +3 = 0 होगा। अगर तो y
20 जीरो के इक्वल है तो यहां से y की वैल्यू आपके पास 29 आएगी। अगर y प्लस 3 जीरो के इक्वल है तो यहां से आपके पास y की वैल्यू माइनस 3 आएगी। तो ये आप लोगों के पास y की टू वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। अब आपने यही वैल्यूज 1/1 इस इक्वेशन में पुट करनी है। पुट y इज इक्वल माइनस 3 इन इक्वेशन, इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दें आप लोग, ए का, इन इक्वेशन ए, कोई भी नाम रख सकते हैं आप लोग। तो यहां पे देखिए y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो यहां पे आप लोग वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 3 इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ये माइनस 3 राइट हैंड साइड पे लेके आए तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, प्लस का इज इक्वल 0। तो ये आप लोगों के पास फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सिंप्लीफाई करें, इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0। मजीद सिंप्लीफाई करें, यहां से कॉमन एक्स रिमेनिंग एक्स माइनस 3, यहां से कॉमन माइनस 1 रिमेनिंग एक्स माइनस 3 इज इक्वल 0। कॉमन क्या है यहां पे, एक्स माइनस 3 रिमेनिंग एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0। या तो एक्स माइनस 3 0 की इक्वल होगा या फिर आपके पास एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0। यहां से एक्स की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी और यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, दूसरी जो वैल्यू थी आपके पास y की वो पुट करनी है। पुट y इज इक्वल 29 इन इक्वेशन ए। आप इसके इक्वेशन ए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। तो y की वैल्यू आपने 29 पुट करनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x 29। आपने इसको राइट हैंड साइड पे लेके आना है तो ये भी माइनस हो जाएगी इज इक्वल 0। 0 लेफ्ट साइड पे लगाएं राइट साइड पे, इससे इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता। मजीद आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, यानी हमें टू पेयर नहीं मिल रहे जिनको आप लोग मल्टीप्लाई करें तो माइनस 29 आए, ऐड करें तो माइनस 4 आए। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। तो यहां से आप लोगों के पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या है यहां पे 1, बी की वैल्यू क्या है आपके पास यहां पे, जो एक्स का कॉन्स्टेंट है वो है माइनस 4, और सी की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट है माइनस 29। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट करें यहां पे, बी की वैल्यू आपके पास माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर यहां पे आएगा, माइनस 4, ए की वैल्यू यहां पे 1 और सी की वैल्यू आपके पास यहां पे माइनस 29। डिनोमिनेटर में 2a, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1। सिंप्लीफाई करिए इसे स्टूडेंट्स, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 माइनस माइनस प्लस, और ये आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 116, डिनोमिनेटर में 2। तो ये 4 प्लस माइनस ऐड करें इनको तो ये आ जाएगा 132, डिनोमिनेटर में 2। तो अब आप लोगों ने 132 का स्क्वेयर रूट लेना है। तो जब आप लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 32 आ जाएगा। तो ये आपने रफ में करके देख लेना है। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपके पास x इज इक्वल 4, सॉरी यहां पे आप लोग 2 कॉमन ले लें तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस, तो ये 2 कॉमन आ चुका है 33, डिनोमिनेटर में भी 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33। तो आपके पास x की एक वैल्यू यहां पे आ चुकी है। तो अब आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में इसका आंसर लिखना है, 1, 3 और यहां पे 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33। तो यही आंसर है स्टूडेंट्स। लास्ट जो इसका क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेना है, ये जो आप लोगों के पास 16 वाला है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।